क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीमुद्दीन सैफी। मोहम्मद फहीमुद्दीन सैफी जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं नहीं बोल रही हूँ, जी सादरा जी, दिल्ली प्रचार में पड़ता है। अच्छा अच्छा, आपको जब यहाँ पर आए थे तो क्या शिकायत थी? मेरे को लीगल में शिकायत बताई थी। अच्छा, आपको तकलीफ क्या महसूस हो रही थी? बस मेरे से चलाया नहीं जा रहा था, लीवर टैंक में पानी भरा हुआ था, पानी निकाला था उन्होंने। तो पानी कितना निकाला था? पानी निकाला था 3.5 लीटर। 3.5 लीटर पेट से पानी निकाला? पेट से पानी। कहाँ निकाला था? ये ई एस आई हॉस्पिटल कहाँ? झीलमिल, झीलमिल कॉलोनी में ESI हॉस्पिटल। 3.5 लीटर पेट से पानी निकाला। उसके बाद में फिर क्या इलाज कराया आपने? इलाज नहीं किया जी, उनसे उन्होंने तो ये कह दिया जी आपका लीवर जो डैमेज हो चुका है जी, इसका हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। जी जी, और जैसे भी आप इसको करते रहेंगे पानी भर गया तो दोबारा आ जाइए, हम एडमिट करके निकाल देंगे। जी जी, इलाज हमें कोई नहीं बताएंगे इसका। किसे बताओगे? लीवर बदलना पड़ता है, ट्रांसप्लांट। फिर मैं वहाँ गया था डॉक्टर सोनी के पास गाजियाबाद। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि आपका लीवर सुखड़ा हुआ है, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, तो इसमें आपको कुछ दिन दवाई खानी पड़ेगी और रेगुलर लेनी पड़ेगी दवाइयाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई थी, फिर मैं आपके पास आया था। तो यहाँ का आपको किसने बताया था? यहाँ का एक हमारे रिश्तेदारी हैं जी, जी वो यहाँ रहते हैं इसमें चांदबाग में जी, कहा कि आप उनको भी लीवर का कोई समस्या होती है। अच्छा जी, तो लीवर के लिए फिर आपको बताया था कि भाई डॉक्टर अख्तर के पास जाइए जी, जी वो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो मैं जब आपके पास आया था तो आपने तसल्ली से ही मेरा पेट भर दिया। अच्छा जी जी, जी जी, मुझे इतनी तसल्ली दे दी कि आप 15 दिन में आप बिल्कुल ठीक होने लगेंगे जी, और 3 महीने में आप नॉर्मल हो जाएंगे जी जी। तो मुझे आपकी तसल्ली बहुत अच्छी लगी जी, और तसल्ली से ही मैं इंशाल्लाह ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल अब इस टाइम तो मैं ऐसा लगता हूँ बीमारी नहीं हो। अच्छा, सिवाय कमजोरी। अच्छा, तो जब यहाँ आए हमारे पहले दिन आप हमारे पास, उस वक्त आपको क्या क्या तकलीफ महसूस हो रही थी? तकलीफ मेरे को तो चला भी नहीं जा रहा था, इतना मेरे को कमजोरी थी जी, और खाना पीना कुछ बता ही नहीं रखा था तो बहुत ज़्यादा कमजोरी थी जी जी जी, और भूख तो लगती थी लेकिन कुछ खाते ही नहीं थे जी जी। कब्ज़ वगैरह जी? कब्ज़ रहता था? नहीं, कब्ज़ वगैरह तो कुछ नहीं था, बाकी तो ठीक था। जी जी जी, तो जब आप आए पहले दिन तो कौन लेकर आया था आपको? मेरे को 4 आदमी लेकर आए थे, गाड़ी में डाल के ले गए। अच्छा जी जी, उसके बाद दोबारा जब आए तो 2 आदमी के साथ आए थे। जी जी, गाड़ी से आए? गाड़ी से आए जी जी। फिर तो मैं अकेला ही आया, बस द्वारा आया जी जी जी। अच्छा, इतनी तबीयत आपकी संभल गई? संभल गई। अच्छा, और अब तो मैं आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त बैठा हुआ जी जी जी, सिवाय कमजोरी का मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब आपके पेट में वो पानी तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं, पानी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा जी, और मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी जी जी। चूँकि जब आप आए थे हमारे पास ये फाइब्रो स्कैन लेकर आए थे, तो इस फाइब्रो स्कैन क्लियर कट या आपका सिटी स्कैन भी है? हाँ जी, सिटी स्कैन इन्होंने तो ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा इन्होंने ही वो किया। हाँ, और ये गाजियाबाद वाले डॉक्टर कह लगे भाई देखो इसका अगर ट्रांसफर कराओगे जी तो आपका 25 लाख रुपये खर्चा है। ट्रांसप्लांट कराओगे? अगर ट्रांसप्लांट कराओगे। कौन से डॉक्टर ने बताया था? डॉक्टर सोनी ने। अच्छा जी, अच्छा 25 लाख बताया था खर्चा? 25 लाख खर्चा बताया। अच्छा, तो फिर घर वालों ने क्या सोचा? सोचा सब परेशान होंगे भाई, इतने बनेंगे जी, मकान भेजेंगे तब जा कर हो पाएगा जी जी जी। फिर सब बहुत परेशान हुए जी जी। फिर जैसे मैं आपस में रिश्तेदार सभी इकट्ठे हो रहे थे जी कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए जी, फिर आपका बताया कि भाई वहाँ जाओ जी जी जी। 2 हॉस्पिटल बताए थे, एक बताया था वहाँ वसंत कुंज में, तो वो फुल प्राइवेट है जी, बहुत महंगा है जी जी। तो फिर आपको बताया था कि वहाँ मजीदिया में जाइए, डॉक्टर अख्तर मिलेंगे, वो आपका बिल्कुल सही करते हैं जी जी। तो आपको बिल्कुल आराम महसूस हो? हाँ, तो ये क्लियर कट थे, इसमें लिखा सर्जरी क्रॉनिक लीवर डिजीज विद पोर्टल हाइपरटेंशन कोलेटरल एंड एसआईटिस। तो ये अब तकरीबन हमारे पास आए थे ये पहली दफ़ा 18 जुलाई को जी, ये देखिए 18 जुलाई को ये पहली दफ़ा, और अब 22 अगस्त है। 1 महीने के अंदर आपने मरीज के बारे में मरीज के जबान से खुद सुना कि उस वक्त कितनी तकलीफ थी कि बिल्कुल चला नहीं जाता था जी। 4 आदमी लेकर मेरे को पहली दफा पकड़ के 4 आदमियों के सहारे से अस्पताल आए थे, फिर 10 दिन के बाद में 2 आदमियों के सहारे से अस्पताल आए,
फिर 10 दिन के बाद में जब जब एक होगा तो खुद बताया जैसे इन्होंने कि बस से चल के सीमा पुलिस है जो यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है वहाँ से चल के बस से आए और अब चौथी दफ़े बिल्कुल कह रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब इस वक्त ना तो इनको एसआईटिस है और ना कोई और मजीद दिक्कत है एक महीने के अंदर अंदर। ये दूसरा इनका अल्ट्रासाउंड है, ये देखिए इसमें फैटी लीवर ग्रेड 2, ये फैटी लीवर ग्रेड 2 भी है और सिरोसिस लिवर भी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जब दोबारा हम ये कराएंगे तो जैसे इनको सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी ये आपके सामने है इसी तरह से ये दूसरे मरीजों की तरह इनकी ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह नॉर्मल के करीब हो जाएंगी।